नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लंबे समय से जेल में बंद सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में जमानत दे दी है। जमानत तो मिल गई है पर अभी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे आजम खान, क्योंकि एक नया केस दर्ज हो जाने के चलते उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले दो साल से सपा नेता आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। आजम खान पर कई आरोप लगे थे पर धीरे धीरे कर सारे मामले निपटते चले गए और उनके 87वें केस में आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आजम खान को लंबे समय बाद जमानत दे दी गई है। जिस मामले में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर हुई है वो वफ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर है। इस मामले में आखिरी बार 5 मई को सुनवाई हुई थी, तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन अब सपा नेता को आखिरकार इस मामले में राहत दे दी गई है। इससे पहले भी उन्हें 71 मामलों में जमानत दी जा चुकी है। पर आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि जमानत मिलने के बाद भी आजम जेल में ही रहेंगे। आजम जेल से बाहर नहीं आने वाले। कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया गया कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी। अब उसी मामले में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और आजम खान का जेल से बाहर आने का समय लंबा होता चला गया। बता दें कि इस नए मामले में 19 मई को रामपुर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में उन्हें राहत मिलती है या फिर झटका, इस पर सभी की नजर रहेगी। अगर ये मामला भी पिछले केसों की तरह ज्यादा लंबा खिंचता है तो 2 साल बाद भी आजम खान सीतापुर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वैसे आजम खान की जेल यात्रा जरूर लंबी होती जा रही है, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इसी साल जनवरी में 23 महीने बाद सीतापुर जिला कारागार से बाहर आने का मौका मिल गया था। उन्हें तब 43 मामलों में जमानत दी गई थी। तो अब देखना होगा आजम खान जेल से बाहर कब आते हैं। वैसे आजम खान की जमानत अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सपा के अंदर ही उनकी जमानत को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। आजम खान के मीडिया सलाहकार फसाहत अली ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा कर दिया कि सपा प्रमुख नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए और इस वजह से कई मुस्लिम नेता भी सपा का दामन छोड़ चुके हैं। फिलहाल कोर्ट से तो राहत मिल गई है पर एक नए केस में फिर से फंस गए हैं आजम खान। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।